आज का किस्सा सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव जी का है। खबर बताने से पहले हम आपको इनकी कहानी सुनाते हैं, जिसके तार मुगल बादशाह जहांगीर से जुड़े हैं। बात 1606 की है। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को खूब प्रताड़ित किया। शहीदी के समय मियां मीर ने गुरु अर्जन देव जी से पूछा कि आपके शरीर पर छाले पड़ रहे हैं, बावजूद इसके आप शांत हैं। तब गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि जितने जिस्म पर पड़ेंगे छाले, उतने सिख होंगे सिदक वाले, यानी मेरे शरीर पर जितने छाले पड़ेंगे उतने सदके वाले सिखों का जन्म होगा। माना जाता है कि गुरु जी को गर्म तवे पर बैठाकर उन पर गर्म रेत डाली जा रही थी। इसके बावजूद वो शांत रहे, उनका शरीर तप रहा था, लेकिन उनका मन अकाल पुरख से जुड़ा हुआ था। इनकी शहादत को गुरु अर्जन जी की शहीदी दिवस के रूप में याद किया जाता है। इस शहादत को लासानी यानी अनोखी शहादत कहा जाता है। गुरु अर्जन देव जी की शहादत को याद करते हुए आगरा के गुरुद्वारे गुरु की ताल में छबील लगाई गई। गुरुद्वारा गुरु की ताल के हेड ग्रंथी हरबंस सिंह ने लोकलिटीन को कई खास जानकारी दी, सुनिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज पंजवें पातशाह शहीदों के सरताज, उनकी जो आज का शहादत का दिहाड़ा है। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहादत लाहौर में 1606 ईस्वी में हुई, जो कि जेठ सुदी चौथ में होती है। तो उस दिन हर साल ही गुरुद्वारा दुख निवारण साहब गुरु का ताल आगरा में ठंडे मीठे जल की सवील लगाई जाती है और गुरु का लंगर भी अटूट चलता है 24 घंटे हर समय। पर आज विशेष करके वस्तुएं और भंडारा तैयार किया जाता है, ठंडे मीठे जल की सवील तैयार की, जिसमें बहुत क्वांटिटी में चीनी और रसना, रूह अफजा और दूध जो संगत सेवा भाव से लेके आती है, तो आके जहाँ पे सेवा करती है और सभी संगत जो माँ के मत्था टेकती है, ठंडे मीठे जल की सवील छकती है और गुरु चरण में नमन होती है। तो ऐसे हर साल ही सेवक जथा गुरुद्वारा गुरु का ताल सभी सेवादराल मिलके और संगत राल मिल करके इस दिहाड़े पे ठंडे मीठे जल की सवील भी चलाते हैं और गुरुद्वारे में कथा कीर्तन भी होता है, जिस समय सभी सब लोगों को निवेदन है आप इस दिन गुरुद्वारा गुरु दुख निवारण साहब गुरु का ताल आएं और अपने गुरु महाराज के चरण मत्था टेकें और सेवा करें और ठंडे मीठे जल की छबील छकें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लोकलिटीन से बात करते हुए गुरुद्वारा गुरु की ताल के भाई अमरीक सिंह ने बताया कि छबील के लिए लगभग 30 क्विंटल चीनी, 500 लीटर दूध, 30 सिल्ली बर्फ, दर्जनों पेटियां रुआवजा का इस्तेमाल हुआ। प्रसाद के लिए 25 क्विंटल चने बनाए गए हैं और देश धर्म के लिए कुर्बान गुरुओं की शहादत को याद किया गया। लोकलिटीन के लिए आगरा से हरिकांत शर्मा की रिपोर्ट।